हे गाइज, वेलकम बैक टू नॉर्मल ट्रिंगल यूट्यूब चैनल। तो जैसे दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे Realme दो नए स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी में है, जो कि Realme X50 और दूसरे स्मार्टफोन जो कि Realme X50 यूथ एडिशन, दो नए स्मार्टफोन को लॉन्च करेगी जो कि 5G नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन जो कि कुछ ही हफ्ते में लॉन्च किया जाएगा, जो कि आधिकारिक तौर पर स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन भी देखने को मिल रही है। और दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि Realme X50 यूथ एडिशन की जो स्पेसिफिकेशन भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आज इस वीडियो में दोनों स्मार्टफोन का फुल कंपेरिजन करेंगे, आपको बताएंगे दोनों स्मार्टफोन एक दूसरे से कितना अलग हैं। सबसे पहले बात करते हैं Realme X50 की फुल स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे डिस्प्ले साइज की बात कर लिया जाए, जो कि आपको यहाँ पे 6.44 इंच के फुल HD AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है, जो कि आपको 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि काफी अच्छी बात है। और इसके अलावा दोस्तों, स्मार्टफोन स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए यहाँ पे आपको बिल्कुल नया प्रोसेसर देखने को मिलता है 735। और साथ ही यहाँ पे दोस्तों, स्मार्टफोन में आपको दो रैम वेरिएंट में देखने को मिलती है, 6GB 128GB और 8GB 256GB स्टोरेज के साथ आता है। और वहीं स्मार्टफोन की कैमरे सेगमेंट के बारे में बात कर लिया जाए, जो कि स्मार्टफोन की कैमरा काफ़ी बेहतरीन होगी। जैसे दोस्तों, स्मार्टफोन के रियर में आपको चार कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहां पे मेन कैमरे की बात कर लिया जाए, जो कि 60 मेगापिक्सल का एक मेन कैमरा देखने को मिलता है, जो कि सोनी IMX686 लेंस है सेंसर से स्मार्टफोन की, जो कि फोटोग्राफी काफ़ी बेहतरीन होगी। और साथ ही दूसरे कैमरे की बात कर लिया जाए, जो कि 8 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। साथ ही तीसरे कैमरे की बात कर लिया जाए, जो कि आपको 2 मेगापिक्सल का, जो कि आपको एक मैक्रो कैमरा शामिल है, और साथ ही यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का एक पोर्ट्रेट कैमरा भी देखने को मिल सकता है। साथ ही दोस्तों, स्मार्टफोन की सेल्फी कैमरे की बात कर लिया जाए, जो कि बिल्कुल आपको Redmi k30 5G की तरह देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पे डुअल सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, डुअल पंच होल डिस्प्ले के साथ। दोस्तों, यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल का एक पहला कैमरा देखने को मिलेगा, और साथ ही यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों स्मार्टफोन की जो कि वाइड एंगल सेल्फी काफ़ी बेहतरीन होगी, स्मार्टफोन की जो कि फोटो काफ़ी मजेदार हो सकती है। दोस्तों, इसके अलावा बैटरी सेगमेंट के बारे में बात किया जाए, जो कि Realme X50 में आपको 4500mAh की बैटरी देखने को मिलती है, और साथ ही फास्ट चार्जिंग जो कि बुक 4.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। दूसरी ओर बात कर लेते हैं Realme X50 यूथ एडिशन। तो दोस्तों, यहाँ पे बता दो, कहा जाता है कि स्मार्टफोन Realme X50 का लोएस्ट वर्जन देखने को मिलेगा। जैसे दोस्तों, स्मार्टफोन की डिस्प्ले साइज की बात किया जाए, आपको यहाँ पे 6.55 इंच की एक IPS LCD पैनल देखने को मिलती है, और साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पे 9 जो कि 60Hz की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले, और साथ ही आपको यहाँ पे प्रोसेसर और मल्टीटास्किंग के लिए यहाँ पे बिल्कुल नया प्रोसेसर देखने को मिलता है। जैसे दोस्तों, आपको यहाँ पे MediaTek MT6885 प्रोसेसर से लैस है, जो कि बिल्कुल नया प्रोसेसर के साथ स्मार्टफोन को लॉन्च किया जाएगा। और साथ ही दोस्तों, आपको यहाँ पे दो रैम वेरिएंट देखने को मिलती है, जो कि 6GB 128GB और 8GB 256GB के साथ। और वहीं दोस्तों, स्मार्टफोन जो कि बैटरी सेगमेंट के बारे में बात किया जाए, तो जिससे दोस्तों आपको यहाँ पे बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, 5000mAh की बैटरी, और साथ ही दोस्तों आपको यहाँ फास्ट चार्जिंग, जो कि आपको यहाँ पे बुक 4.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। दोस्तों, इसके अलावा Realme X50 यूथ एडिशन की कैमरे सेगमेंट के बारे में बात किया जाए, तो आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ चेंजिंग देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू Realme X50। जैसे दोस्तों, Realme X50 यूथ एडिशन के रियर में आपको चार कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ पे मेन कैमरे की बात किया जाए, तो आपको यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का एक मेन कैमरा देखने को मिलता है, और साथ दूसरे कैमरे जो कि 8 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल कैमरा, और इसके अलावा आपको यहाँ पे दो कैमरा सेटअप देखने को मिलते हैं, जो कि 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलेंगे। साथ ही दोस्तों, आपको सेल्फी में भी आपको काफ़ी कुछ चेंजिंग देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू Realme X50। जैसे दोस्तों, आपको यहाँ पे सिंगल सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा आपको 32 मेगापिक्सल का। और ऐसे में दोस्तों, देखा जाए दोनों स्मार्टफोन जो कि एक दूसरे से काफ़ी अंतर है। तो ऐसे में दोस्तों, कौन सा स्मार्टफोन आपको अच्छा लगा कॉमेंट में जरूर बताना। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि किसी प्रकार इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।